नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत राव, सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल शॉपिंग गुरुजी पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते, यानी कि दोस्तों हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके बारे में जो डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक बिल्कुल सही से बता देते हैं ताकि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि है मैगी। मैगी का एक हम बड़ा पैक लेके आए और इसी के साथ साथ दोस्तों चार छोटे पैक लेके आए हैं। और ये बड़े पैक की प्राइस की अगर बात करें तो ये हमें जो है 40 रुपये में हमें ये बड़ा पैक जो है मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमने 40 रुपये का ही छोटे पैक लिए। यहाँ पे एक जो है हमने 10 रुपये का मैगी का पैक लिया। और इसी के साथ साथ दोस्तों तीन हमने 12-12 के लिए, यानी कि दोस्तों 3 × 12 अगर करें तो 236 रुपये का ये और 10 रुपये का ये, 40 रुपये के ये मैगी पैक हो जाते हैं और 40 रुपये का ही ये हो जाता है। अब देखना ये है कि हमें बड़ा पैक लेने में फ़ायदा मिलता है या फिर दोस्तों छोटा पैक लेने में फ़ायदा मिलता है। बड़े पैक में हमें ज़्यादा मैगी मिलती है या फिर छोटे पैक के अंदर हमें ज़्यादा मैगी मिलती है, तो यही देखना है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके अंदर जो मसाला है ना उसी का भी वेट हम लगे हाथ कर ही लेंगे ताकि क्या कि मसाले का भी पता चल जाए किसके अंदर मसाला ज़्यादा मिलता है। चलिए दोस्तों फटाफट से ना बड़े पैक का ना वेट चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें कितनी मैगी यानी कितना नूडल्स हमें मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों बड़े पैक के अंदर में 270 ग्राम हमें जो है नूडल्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब है ना छोटे पैक के अंदर देख लेते हैं कितने हमें नूडल्स मिल जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें छोटे पैक जो है 40 रुपये के उसके अंदर हमें मिल जाता है 254 ग्राम हमें जो है नूडल्स मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं आता है, 254 ग्राम हमें मिल जाता है। और चलिए दोस्तों मसालों को भी देख लेते हैं कि कितने हमें मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें बड़े पैक के अंदर 26 ग्राम जो है मैगी मसाला मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों छोटे जो पैक थे जो कि 10 और 12-12 के पैक थे उसके अंदर हमें जो है 22 ग्राम मसाला इसके अंदर जो है मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमें क्या है कि बड़े पैक था जो मैगी का उसके अंदर 270 ग्राम हमें नूडल्स मिल जाते हैं, और वहीं दोस्तों छोटे पैक जो थे 40 रुपए के ही उनके अंदर हमें जो है 254 ग्राम जो है नूडल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों इतना कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस इसके अंदर नहीं है ग्राम के अंदर, बट फिर भी अगर डिफरेंस की बात करें तो हमें बड़े पैक में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको अगर एक छोटे पैक की रिक्वायरमेंट है तो छोटा पैक यूज़ के लिए आपको इतना कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं दोस्तों मसाला की अगर बात करें तो दोस्तों बड़ा पैक था उसके अंदर जो 4 पाउच थे मसाला के उसके अंदर मिलता है 26 ग्राम मसाला, और वहीं दोस्तों छोटे जो पैकेट थे मैगी के उनके अंदर हमें टोटल मिला के मिलता है 22 ग्राम मसाला। यानी कि दोस्तों लगभग 4 ग्राम का फ़र्क रहता है, इसके अंदर भी इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। यानी कि दोस्तों इंडिविजुअल अगर आप एक मैगी का पैकेट खाना चाहते हैं तो एक में क्या है कि आपके लिए मसाला सही से आपको मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इतना कुछ खास फ़र्क इसके अंदर नहीं है, कोई भी आप पैक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जनों के लिए मैगी बनानी है तो बड़ा पैक लीजिए, उसके अंदर 15 ग्राम के आसपास आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।